हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ प्रॉब्लम देखे थे। आई होप कि उसके बेस पर जो एक्सरसाइज है वो आपने पूरी की पूरी कंप्लीट कर दी होगी। ओके, अगर उसमें कुछ डाउट है तो उसमें एक डाउट क्लियरिंग सेशन लेके आएंगे, तब आप लोग उसके क्वेश्चन मुझे पूछ लेना। आज के लेक्चर में है हम ट्रिग्नोमेट्री के और भी फार्मूलाज पढ़ेंगे। जो फार्मूला लर्न करके हमारे बड़े बड़े जो प्रॉब्लम है ट्रिग्नोमेट्री के वो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये जो फार्मूले आज पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है। ये आपके जो है लिमिट, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव, ये सारा में यूज होता है। मतलब 11th और 12th में जब तक मैथ्स पढ़ने वाले हो तब तक ये वाले आज के फार्मूले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपकी बात बन पाएगी। तो फार्मूले जो आज पढ़ने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, उनको आप अपने शॉर्ट ट्रिक बुक नोट में लिख लेना। ओके, तो चलिए इस अब लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डबल एंगल, डबल एंगल इट मींस दैट 2θ, ये जो एंगल रहेगा, जैसे साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है, तो ये जो ये यहाँ पर थीटा क्या है, ये कोई भी एंगल है, ये कोई भी एंगल है। तो यहाँ पे साइन थीटा ना होते हुए अगर साइन 2θ होता है, मतलब एंगल डबल हो गया, या एंगल साइन 4θ होता है, ये इसका डबल एंगल हो गया। ओके, मतलब डबल एंगल। ओके, तो इसको बोलेंगे डबल एंगल। तो उसके लिए फार्मूला क्या निकल के आता है वो देख लो, ये एक टर्म है, फॉर एनी एंगल थीटा साइन 2θ, यहाँ पे देख पा रहे हो कि साइन 2θ है, इसके दो फार्मूले निकल के हमारे पास आते हैं। अगर साइन 2θ है तो ये 2sin θ cos थीटा भी होता है, ये तो एक फार्मूला हो गया। उसके बाद सेकंड फार्मूला है sin 2θ equals to 2tan θ upon 1+tan²θ, 2tan θ upon 1+tan²θ, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कैसे करना है वो मैं प्रूफ में बता दूंगा, बट हमें प्रूफ में हम इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूं कि कहां से आए, हमें इंपॉर्टेंट है ये फार्मूले, क्योंकि आपको साइन 2θ ऐसा प्रॉब्लम में लिख के आएगा, आपको ये याद होगा तो ही आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ये साइन 2θ था, इसका हाफ एंगल यहाँ पर होगा, इनको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ डबल एंगल 2θ, या इसको हाफ एंगल भी बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2θ है इसलिए इसका एंगल थीटा आएगा। अगर यहाँ पे साइन 4θ होता तो इसका एंगल क्या आता, 2sin 4θ का हाफ क्या होगा, 2θ cos 2θ, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला 2tan 2θ अपॉन 1+tan²θ, यहां पे जो कोई भी है LHS में उसका हाफ आपको यहां पे अप्लाई करना है। ओके, अगर थीटा होता तो साइन थीटा अगर होता तो क्या करते थे अप्लाई, 2sin θ/2, क्योंकि यहां पे 1 है तो 1 का हाफ आधा। ओके, सो साइन 2sin θ/2 इंटू cos θ/2 ये आ जाएगा। ओके, इसके अपॉन में 2tan θ/2 अपॉन 1+tan²θ/2। ओके, तो बात क्लियर हो रही होगी कि हाफ एंगल या डबल एंगल मींस इसका हाफ आपको राइट हैंड साइड में लिखना है, तो ये दो फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो प्रूफ भी कर देते हैं ये दो को हम। ओके, जैसे साइन का है वैसे कॉस का भी है और टैन का है, बारी बारी से सारे हम देखेंगे। ओके, सो साइन 2θ, सो LHS हमारे पास क्या है, साइन 2θ, LHS हमारे पास क्या है, साइन 2θ। ओके, 2θ को आप क्या ऐसा लिख सकते हो, साइन θ+θ, ऐसे लिख सकते हो, θ1, ये θ और ये θ, 2θ हो गए। ओके, अच्छा ये किसका फार्मूला दिख रहा है, क्लियरली मुझे किसका फार्मूला दिख रहा है, साइन a+b का फार्मूला दिख रहा है। क्या होता है साइन a+b का फार्मूला, साइन a cos b cos a sin b, सारे बच्चों को ये फार्मूला लर्न हो गया होगा। ओके, तो अप्लाई कर दो तो क्या होगा, सर बोलेंगे कि यहाँ पे a भी थीटा है और b भी थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर दो। सो क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
यही आएगा फॉर्मूला। ओके सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस कॉस और साइन को मैं ऐसा लिख देता हूं, कैसे लिखना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये पहले लिखो ये बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सो विच इज इक्वल्स टू, ये दो बार हो गया है, सो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके सो इसको जो है इक्वेशन नंबर वन दे दो और यहां पे लिख लेना कि साइन टू थीटा का फार्मूला क्या निकल के आया, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको बक्से के अंदर बंद कर देना। ओके जो पेपर में है प्रूफ नहीं पूछेंगे, ओके तो डायरेक्ट आपको फार्मूला अप्लाई करना होगा, कैसे करना है तो टेस्ट में पूछूंगा, मतलब जो कॉलेज के टेस्ट होते हैं उसमें पूछा जाएगा, तो ध्यान में रख लेना। ओके मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ कि उसमें नहीं पूछा जाता इस तरह के क्वेश्चन। ओके डायरेक्ट आपको फार्मूला का यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद ये एक आ गया, एक आ गया, दूसरा फार्मूला लाना है कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ये भी होता है, ये भी हमें लाना है, तो देखो किस प्रकार ला सकते हैं। ओके सो इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, यहां तक आ गए ना हम, इक्वेशन वन क्या आया हमारे पास, साइन टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये है इक्वेशन वन हमारे पास। ओके क्या इसी इक्वेशन को मैं टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन वन ऐसा लिख सकता हूं, हर नंबर के डिनोमिनेटर में वन हो सकता है, जैसे ये टू है इट मीन्स दैट टू बाय वन, ये थ्री है इट मीन्स दैट थ्री बाय वन, ऐसा है ना, सो टू साइन थीटा कॉस थीटा इसके नीचे वन है। ओके सो वन के लिए कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर सकते हो, तो दैट इज द आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये वाली बड़ी अच्छी वाली आइडेंटिटी है। ओके सो क्या आएगा, ये टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, अपॉन में वन की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके हमारा एम क्या है, हमें टू टैन थीटा लाना है, ऊपर में टू टैन थीटा लाना है और डिनोमिनेटर में वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा लाना है। ओके सो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा दिक्कत दे रहा है, कॉस थीटा दिक्कत दे रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, हटाने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा कॉस से। ओके तो अगर कॉस से डिवाइड करते हो तो ये कॉस चला जाएगा, फिर भी टू साइन थीटा बचता है, टू साइन थीटा बचता है, हमें तो टू टैन थीटा चाहिए, सो साइन थीटा अवेलेबल है, अगर उसके नीचे कॉस थीटा आ जाए तो बात बन सकती है, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है, तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ए डॉट बी अपॉन सी, ये इसका क्या होता है बच्चों, ये आप ए बाय सी इंटू बी और ए प्लस बी अपॉन सी, ए बाय सी प्लस बी बाय सी, मैं बताना क्या चाह रहा हूं कि मल्टीप्लीकेशन है तो आप किसी एक को ही दे सकते हो, मल्टीप्लीकेशन है तो ये डिनोमिनेटर जो है वो आप किसी एक को ही दे सकते हो, और प्लस है मतलब एडिशन है तो दोनों को बराबर का देना देना पड़ेगा, बरोबर देना पड़ेगा। ओके अगर ये इस प्रकार होता है ए बी अपॉन सी स्क्वायर, तो आप ए बाय सी इंटू बी बाय सी ऐसे लिख सकते हो। ओके बट अगर ये ए प्लस बी बाय सी स्क्वायर होता है तो ए बाय सी स्क्वायर प्लस बी बाय सी स्क्वायर ऐसा आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो हमें दो कॉस की जरूरत है, तो मैं ऊपर और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूं, सो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन, ओके इसको भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके चलो ये मैं मिटा देता हूं, जो भी फार्मूले में लिख रहा हूं ना यहाँ पे वो आप अपने मार्जिन के ऊपर में लिख लेना। ओके पहले भी ये बात मैंने बताई थी कि क्यों लिखना है तो उसको फॉलो जरूर करना। सो विच इज इक्वल्स टू, देख पा रहे हो कि एक कॉस जो है यहां से कट जाएगा। ओके सो क्या बचा ऊपर में, टू साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा, टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। ओके अच्छा ये कॉस स्क्वायर इसको भी दे दो और इसको भी दे दो, प्लस है ना बीच में तो दोनों को देना पड़ेगा। सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ओके सो विच इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। ओके सो विच इज अपॉन ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। ओके प्लस दिस गेट कैंसल मीन्स वन। ओके तो इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, देख लो आ गया। ओके सो देयरफॉर साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू tan थीटा अपॉन वन प्लस tan स्क्वायर थीटा, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो भी ये बॉक्स में मैंने लिखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्वेल्थ भी हो जाता है फिर भी बच्चों को फार्मूले लर्न नहीं होते। ओके सो इसको लर्न करने का एक ही तरीका है, रोज पढ़ो ये फार्मूले, रोज रिवाइज करो। ओके वैसे ही वो याद हो जाएंगे, या इनकी बेस पर जो भी प्रॉब्लम आपके पास है उनकी प्रैक्टिस करो। तो ये लिखते जाना मार्जिन के ऊपर फार्मूले, तो आपका काम बन जाएगा। ओके सो फ्रॉम वन एंड टू हम बोल सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू ये वाली चीज दोबारा आप वहां पे लिख लेना। ओके सो इस तरह से बड़ी सिंपल वे से हम इनको प्रूफ कर सकते हैं। ओके तो ये हो गया साइन टू थीटा के लिए, क्या था फार्मूला टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके और दूसरा फार्मूला क्या था टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, याद हो जाना चाहिए। ओके चलिए ये साइन टू थीटा के लिए हो गया, अब कॉस टू थीटा का देख लेते हैं कि कॉस टू थीटा के कितने फार्मूले हमारे पास निकल के आते हैं। ओके ओके तो नेक्स्ट कॉस टू थीटा के लिए फार्मूला देख लो, वैसे सेम प्रूफ करना है हमें। सो कॉस टू थीटा का फार्मूला क्या आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला होता है कॉस टू थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इसका थर्ड फार्मूला होता है कॉस टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट इसके चार फार्मूला फोर्थ फार्मूला होता है वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये अगर ये cos 2 थीटा आता है तो चारों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, आया ना क्वेश्चन कि ये अगर cos 2 थीटा है तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, तो वो कंडीशन के हिसाब से हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं प्रॉब्लम बताऊंगा तब आप सीख जाओगे कि इसमें से हम कौन सा फार्मूला यूज करें। ओके फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि cos 2 थीटा के चार फार्मूले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक अगर आपने ध्यान में रखा तो ये तीनों भी आपको ध्यान में रहेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे टू लगा दो तो यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, थर्ड है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बराबर है। ओके और लास्ट है वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो बारी बारी से चारों फार्मूले हम प्रूफ करेंगे। ओके सो एल एच एस हमारे पास है कॉस टू थीटा। ओके सो कॉस टू थीटा को क्या लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस थीटा ऐसे लिख सकते हो। ओके सो कॉस ए प्लस बी, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ कॉस ए प्लस बी बताओ जल्दी से, क्या होता है फार्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वाला ही फार्मूला होता है। ओके सो क्या आएगा यहां पर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके माइनस क्योंकि प्लस का माइनस होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इट मींस दैट कॉस स्क्वायर थीटा। ओके माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये वाला तो आ गया, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं। ओके सो ये आ गया, सो इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट इक्वेशन यहां पे मैं लिख भी देता हूं कि कॉस टू थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला तो आ गया। ओके सो इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट क्या मिला हमें कॉस टू थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये मिला। ओके सो अब क्या प्रूफ कर रहा है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, मतलब ये साइन को हटाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा की बात कर रहा है तो
तो साइन को हटाना पड़ेगा, तो कौन सी आइडेंटिटी आपके दिमाग में आ रही है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। ओके, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यही आएगा। ओके, सो ये आने के बाद वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये पुटअप कर दो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे, सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये पुटअप करोगे तो ब्रैकेट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो ब्रैकेट ओपन करिए, कॉस स्क्वायर थीटा ये माइनस हो जाएगा, माइनस 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 वन, ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसको इधर लिखता हूं मैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये कितना आया बच्चों? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गया। चलो ये भी आ गया, सो कॉस टू थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये भी आ गया। ओके, सो अब ये प्रूफ कर लो, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये जो है इक्वेशन नंबर वन, इसमें हमें अब क्या चाहिए? साइन चाहिए, तो कॉस को चेंज कर दो साइन से, तो किस प्रकार आएगा ये? कॉस को अगर चेंज करना है तो किस प्रकार आएगा? इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट कॉस टू थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ओके, सो अब चेंज करते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो विच इज इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया भैया। ओके, सो देयर फोर कॉस टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आ गया। ओके, चलो चलो अभी ये लास्ट बचता है, तो लास्ट के लिए क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा मिटा दूं। ओके, मैंने कहां पे रख दिया डस्टर? ओके, सो इसको मैं मिटा देता हूं, लास्ट वाला हम प्रूफ करते हैं। तो लास्ट वाले में क्या करना है हमें? कॉस टू थीटा इक्वल्स टू दिस, तो इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट, इक्वेशन वन इंप्लाइज दैट कॉस टू थीटा इक्वल्स टू क्या मिला हमें? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये मिला। ओके, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन, वही जो साइन टू थीटा में किया था वही कर रहे हैं। ओके, सो इसमें क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन की आइडेंटिटी क्या है? वन की आइडेंटिटी वो वहां पे लिखी है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सोचो कि ये कॉस हटाना है, ये कॉस स्क्वायर हटाना है, तो डिवाइड किससे करोगे? कॉस स्क्वायर थीटा से करोगे। अगर ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहा है, तो नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स का रूल है। ओके, ऊपर आप एक जगह पे डिवाइड कर सकते हैं, नीचे नहीं करना, ऐसे बात नहीं चलेगी, दोनों तरफ करना पड़ेगा। ओके, ताकि ये बैलेंस बना रहे, इक्वेशन के साथ छेड़खानी ना हो। ओके, तो ये थोड़ा सा रफ कर देता हूं मैं, तो यहां पे विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं ना, सो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। ओके, सेपरेट कर दो, तो विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसके अपॉन में ये कॉस इसको दे दो, ये कॉस इसको दे दो, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस कॉस गेट कैंसल, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा, ओके, इसके अपॉन में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन, तो वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन
वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वेशन नंबर फोर, सो देयरफॉर कॉस टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, सो चारों फार्मूले इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। तो ये चार फार्मूले आपको कॉस टू थीटा के लिए ध्यान में रखना है। साइन का हो गया, कॉस का हो गया। आओ चलो अभी टैन टू थीटा के लिए देख लेते हैं, उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके प्रॉब्लम लेके आऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, फिलहाल इस वीडियो में फार्मूले पे ही ध्यान देते हैं। ओके ओके, तो ये वाला लास्ट वाला देख लो, टैन टू थीटा इज इक्वल टू टू टैन थीटा अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसके लिए एक ही फार्मूला है। ओके, सो कैसे करोगे इसको, सेम ही करना है। टैन दैट इज द एल एच एस इज इक्वल्स टू टैन टू थीटा, ये क्या आता है बच्चों, टैन थीटा प्लस थीटा, ऐसे आप लिख सकते हो टैन टू थीटा को। ओके, एक फार्मूला बताया था आपको टैन ए प्लस बी, व्हाट इज द फार्मूला टैन ए प्लस बी, ये आता है टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ओके, सो क्या कर सकते हो इसको, सो टैन थीटा प्लस टैन थीटा, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए, वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, यहां पे माइनस होना चाहिए। ओके, माइनस, सो क्या आएगा ये tan थीटा प्लस tan थीटा टू tan थीटा। ओके, अच्छा ए नहीं ना, ये यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा। ओके, अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, सो विच इज इक्वल्स टू आर एच एस, सो इसका मीनिंग है कि tan टू थीटा इक्वल्स टू टू tan थीटा अपॉन वन माइनस tan स्क्वायर थीटा, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, सो इस तरह से ये आसानी से आपका प्रूफ आ जाएगा। इसमें ये फार्मूला ध्यान में रखना है बच्चों। ओके, सो साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टैन टू थीटा, आज यहाँ पे हम रुक जाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे रुक जाते हैं, तो तीन ही फार्मूले पड़े, एक साइन टू थीटा के लिए, कॉस टू थीटा के लिए और टैन टू थीटा के लिए। साइन टू थीटा के लिए फार्मूला था टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 tan थीटा अपॉन यहां पे क्या है 1 माइनस है, वहां पे था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा के लिए चार फार्मूले निकल के आते हैं। फर्स्ट फार्मूला निकल के आता है cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और लास्ट आता है 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा के चार फार्मूले और टैन टू थीटा के लिए ये एक फार्मूला। तो सारे के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेक्चर लूंगा इसी के बेस पर कुछ प्रॉब्लम लेंगे, और फार्मूले और इसके ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले ही है, ये खत्म नहीं होंगे जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि ये बेस है। जब भी घर बनाते हो तो बेस लगता है ना, वो फाउंडेशन बोलते हैं, तो ये फाउंडेशन है ये फार्मूले। ओके, सो इसके बिना नहीं होगा। तो और भी फार्मूले देखेंगे, बट ये कब देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक आप बने रहो हमारे साथ और देखते रहो हमारे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।